अभी ये ब्रिज पे भी है आनंद भरा व्लॉग। ऐसा क्यों पकड़ी हो पर? अच्छे से पकड़ो, धूम वाली ज्यादा फीलिंग मत लो। चला नहीं सकते आगे, इतना ट्रैफिक है। अब देखते पुलिस वाले सिग्नल तोड़ते हैं कि रुकते हैं। अभी अपने पास पैसे बहुत कम है क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रहा है। अभी बहनों को क्या देने का, चॉकलेट देके निपटा देंगे। फर्स्ट ब्रिज अपना ऐसे और चार पांच ब्रिज पार करने के बाद ही अपना डेस्टिनेशन आएगा। बीबी मेरी बाइक दिखा रही है, BMW। कब लेके दोगी? पूछ रहा हूँ कब लेके देगी, तो बोलते जमा तो कर रही हूँ मैं पैसे। ऑलराइट गाइस, अक्षय तुम्हारे जियर, आगे ना पीछे सब्सक्राइब करो नीचे। तर आज की धुन की शुरुआत हो गई है, अभी देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और मौसम की बात करें तो मौसम एकदम ठंडा और नॉर्मल है। कल हमारी छुट्टी थी, कल तो बहुत धूप थी, छुट्टी वाले दिन धूप रहती है और जॉब पे जाना रहता है तो मौसम एकदम बना रहता है अच्छे से। ये भी चीज़ अच्छी है कि हाँ चलो जॉब के जाने के टाइम पे, बाहर निकलने के टाइम पे वातावरण थोड़ा ठंडा रहता है। ये भाई और मेरे को ना थोड़ा सा ना पीछे वाले टायर में ना हवा कम लग रही है। अब देखते पुलिस वाले सिग्नल तोड़ते हैं कि रुकते हैं। अभी कितना बज रहा है, 11:15 है, ठीक है। और यही 11:15 जब धूप के टाइम रहता है धूप का, तो इतनी धूप रहती है, इतनी धूप रहती है कि ऐसा लगता है कि भाई जल जाएंगे। लेकिन अभी गर्म भी होने लगा है, बारिश जैसे जैसे कम हो गई है वैसे वैसे गर्म होने लगा है और रात को नींद एकदम ख़राब हो जा रही है। तो चलो भाई, अपन अपने को जाने का उसी तरफ है, लेकिन अपन इस तरफ से निकालते हैं क्योंकि गाड़ी थोड़ी कम है यहाँ पे। देखना पड़ेगा भाई, पुलिस वाले रहते हैं वहाँ पे, कॉर्नर पे खड़े रहते हैं। गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल कम लग रहा है तो अपने को कल भराना पड़ेगा, और भराएगी अपनी बबीता, पेट्रोल बबीता भराएगी इस बार। देखते हैं, अभी अपने पास पैसे बहुत कम है क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रहा है। अभी बहनों को क्या देने का, चॉकलेट देके निपटा देंगे। गाड़ी चलाने में मज़ा आ रही है, गाड़ी का टायर थोड़ा पंचर लग रहा है मेरे को पीछे वाला, तो अभी कैसा ट्यूबलेस टायर है तो फिर चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन एक फील हो रहा है कि हाँ हवा कम है या तो टायर पंचर है, तो अपन शाम को या रात को आने के टाइम पे करवा देंगे, क्योंकि अभी करवाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। क्या ये फर्स्ट ब्रिज है अपना, ऐसे और चार पांच ब्रिज पार करने के बाद ही अपना डेस्टिनेशन आएगा। उस डेस्टिनेशन का मज़ा कुछ नहीं है, जो है मज़ा ये सफ़र का है, यही मज़ा तुमको मैं दिला रहा हूँ। साईं बाबा का मंदिर आया, पैर पड़ना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी हिल रही है, ऐसा लग रहा है कि सही में टायर पंचर है, क्योंकि फील बहुत तगड़ा वाला आ रहा है। ठीक है, रात को अपन चेक कराएंगे। ट्यूबलेस टायर का यही एक बेनिफिट रहता है कि एमरजेंसी के टाइम पे वो थोड़ा एडजस्ट कर लेगा आपको, लेकिन इतना भी एडजस्ट नहीं कर लेगा, क्योंकि जब अपन ज़्यादा चलाने लगते हैं और ज़्यादा खड्डे में लेके चले जाते हैं ना, तो जहाँ से हवा भरते ना, वो वाला जो नोज़ है ना, मतलब हवा का नोज़, वो ख़राब हो जाता है, तो वो भी अलग से बिठाना पड़ता है, वो भी 200-250 रुपये का आता है। तो जब भी अगर तुम्हारा टायर पंचर रहे या तो टायर में हवा कम रहे, तो आपको खड्डे में लेके जाना नहीं है गाड़ी। और जब भी अभी जाहिर सी बात है, अगर रोज़ का तुम्हारा रनिंग है तो हफ्ते में एक बार तो आप टाके फुल कराओगे, तो जब टाके फुल कराओगे, जब भी पेट्रोल भरोगे, तब हवा भी चेक कर लेना चाहिए, तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई हवा का प्रॉब्लम कुछ आ रहा है क्या, या तो फिर अपना टायर पंचर है क्या, तो वो चेक करवाते रहना पड़ेगा। क्योंकि भाई गाड़ी का ख्याल रखोगे तो गाड़ी तुम्हारा ख्याल रखेगी, अगर तुम उसको कैसे भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी तुमको कैसे भी कहीं पे भी धोखा दे सकती है। तो यही ट्रैफिक है कांदिवली का, जो मैं तुमको बता रहा था कि कांदिवली में जो ब्रिज बन रहा है उसका काम फिनिश नहीं हुआ है। यहाँ पे जाने के लिए वहाँ से उन लोग ने रास्ता कर दिया है, क्योंकि यहाँ से एक साथ क्राउड नहीं निकल पाता इतना मॉर्निंग के टाइम पे, तो वहाँ से वो लोग ने ओपन कर दिया है। लेकिन वहाँ के लोगों को भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो रास्ता आधा वो चले जाता है तो वहाँ पे भी थोड़ा जाम हो जाता है।
पता नहीं ये क्या है, काम चालू हो रहा है नहीं हो रहा है, हुआ है नहीं हुआ है। बीबी मेरी बाइक दिखा रही है BMW, कब लेके दोगी? पूछ रहा हूँ कब लेके देगी, तो बोलते जमा तो कर रही हूँ मैं पैसे। ठीक है, आएगी आएगी भाई, अपने पास भी आएगी। अभी अपन स्कूटी से कर रहे हैं, एक दिन आएगा ऐसे BMW अपने पास रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गाड़ी है तो भी। लेकिन फिर भी तो मैं बता रहा था, यही ब्रिज है जो यहाँ पे ट्रैफिक होता है। अभी तुम देखो, जैसे ये इतना हिस्सा क्रॉस हो जाएगा ना, तो आगे पूरा खाली रहेगा एरिया, पूरा एरिया खाली रहेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, इसकी पीठ देखो ना कितनी बड़ी है, चलाने वाले की, गाड़ी चलाने वाले की पीठ देखो कितनी बड़ी है। गाड़ी सूट होती है, इतना तगड़ा आदमी चाहिए तगड़ी गाड़ी पे, तभी जाके गाड़ी सूट होती है, नहीं तो ऐसा लगेगा चूजा बैठा है गाड़ी पे। तो ये देखो ऑलमोस्ट सब गाड़ी एक साथ निकल रही है, इसीलिए तो पूरा रास्ता आगे खाली है। मैं नहीं भी बोले तो 50 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे हूँ मतलब गाड़ी बहुत कम है, मतलब रास्ता खाली है। भाई ये गाड़ी चला रहा है, मजाक कर रहा है, तो मेरे को ना तकलीफ हो रही है गाड़ी चलाने में अभी, क्योंकि टायर मेरे को सही में बहुत ज़्यादा पंचर दिख रहा है, हवा जरा भी नहीं लग रही है, मेरे को फील हो रहा है। तो टायर ऐसे 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 हिलता है। तो अभी जैसे मैं पहुँचूँगा जॉब पे, तो वहीं बाजू वाले रहेगा, मैं वहाँ पे चेक करा लूँगा। पकड़ का मगजमारी नहीं चाहिए, और ज़्यादा खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए। पता चला रात को बारिश आ गई और काम चालू हो गया, क्योंकि अभी थोड़ी बूंद बूंद बारिश गिर रही है, तो कैमरे पे भी एक दो बूंद गिरा रहेगा, आपको दिखता रहेगा। तो बारिश अभी चालू हो गई है, रिमझिम रिमझिम, लेकिन रेनकोट नहीं पहनेंगे, थोड़ी थोड़ी ही बारिश है, देखते हैं। अगर क्योंकि बारिश एक मिनट की ही रहती है, एक मिनट के बाद वो फिर चले जाती है, अगर अभी हम लोग ने रेनकोट पहन लिया तो चली जाएगी। ऐसा है, बारिश भी मज़े ले रही है, ज़िंदगी तो मज़े ले रही है, ले रही, अब मौसम भी मज़े लेने लगा है। देखो अभी यहाँ पे बंद हो गई है बारिश, मतलब क्या ही, अगर वहाँ रुक जाते और रेनकोट पहन लेते तो यहाँ पे आते तो पता चला बारिश रुक गई है, क्या बोलने का। अभी ये ब्रिज पे भी है, आनंद भरा व्लॉग। ये ब्रिज पे भी खड्डे, तो गाड़ी स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों पकड़ी हो पर? गाड़ी भी कौन सी रहती है उसमें पता है ना, तो फिर जैसा तुम नॉर्मल पकड़ दियो वैसा ही पकड़ो, ऐसा नहीं ऐसा पकड़ती हो तुम मेरे को, कैसे पकड़ती हो? नहीं नहीं, गाड़ी ठोक दूंगा भाई, था अच्छे से पकड़ो, अच्छे से पकड़ो, धूम वाली ज्यादा फीलिंग मत लो। चला नहीं सकते आगे, इतना ट्रैफिक है। बस। अरे भाई सही है, टायर इधर पंचर है और बात कर रही है। हो सकता है कीचड़ के धब्बे कैमरे के ऊपर लेंस पे दिखे, मैंने तो हटाए, लेकिन अगर फिर भी दिखते हैं तो एडजस्ट कर लेना। और देखो यहाँ पे थोड़ा भी पानी नहीं बरसा है, थोड़ी भी बारिश नहीं हुई है, यहाँ पे धूप पड़ी थी, अभी थोड़ी छाव पड़ी है, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है, वो वहाँ पे गीला पड़ा है। अब समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या है, आधे जगह बारिश गिर रही है, आधे जगह नहीं गिर रही है, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अभी अच्छा हुआ रेनकोट नहीं पहने, रेनकोट में बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है और गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। ये अपना जैकेट है, यही पहन लिया है अपन ने। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट अभी जॉब पे पहुंच गए हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अब तक आप देख रहे हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।